सबसे पहले मुझे ये गुजारिश की गई है कि मैं अपने दोस्तों को अज़ादारान मज़लूम करबला से एक गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप ज़रा आगे तशरीफ़ लाएँ, जिस तरह से मोमिनीन जो है उनको कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा एक सलवात पढ़ के आप ज़रा आगे आइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। यहाँ पे काफ़ी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मोमिनीन जो है आराम से बैठ सके, ताकि कोई मोमिनीन को जो है वो दिक्कत महसूस ना हो। बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया, खुदा आपको इसका अजर अजीम इनायत फरमावे। और चूंकि आज जो है शबी और महमिल बरामद होगी, क्योंकि दुआ का वक्त नहीं मिलेगा, हम दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार हमारी इस कलील इबादत को तेरे बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार, जो जो आज़ादार यहाँ पे शिरकत करते थे, खुदा वंदे ताला उनकी तमाम आज़ादारियों को कबूल फरमा। और परवरदिगार, जो ज़ायरीन ज़ियारत के लिए गए हैं, परवरदिगार उनको सही सलामत जो है वह अपने वतन पहुँचा, और हम सबको इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा और बार बार नसीब फरमा। और जो सबसे अहम दुआ ये है कि जो इस साल हमारे मरहूमीन हमारे दरमियान में नहीं है, परवरदिगार उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उनके तमाम गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा, और जो बीमार है बीमार करबला का वास्ता उन्हें शिफा कामिला अता फरमा, जो हज ज़ियारत के मुतमन्नी उनको हज ज़ियारत से मुशरफ़ फरमा, जो मकरूज है परेशान हाल है तकलीफ़ में गिरफ़्तार है, परवरदिगार उनकी इस मजलिस हुसैन के सदक़े में जो है तमाम परेशानियों को दूर फरमा। और परवरदिगार जो जो मोमिनीन वल मोमिनात बिलखसूस हाज़रीन मजलिस हैं उनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, कि जब वो यहां से उठे तो उनकी हाजतें पूरी हो जाए, और हमारे इमाम जमाना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामईन मोहतरम, आपने बहुत मुझे इस अशरे अरबईन में आपने मेरा साथ दिया, और आपका कोऑपरेशन हमेशा रहा और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला। और जो जो मोमिनीन मोमिनात ने खिदमतें अंजाम दी है, डोनेशन किया है ज़िक्र मौला हुसैन के ऊपर और इमाम हुसैन अबा अब्दुल्लाह की मजलिस के, खुदा वंद ताला उनकी माल में और बरकत इनायत फरमावे। सिर्फ आज की जो मेरी अरबईन अशरे अरबईन की जो मेरी आखिरी मजलिस है, जो मेरा सिलसिला चला आ रहा था हम और वालदेन की जिम्मेदारियां, ये एक ऐसा मौजू है कि जो हमें तैयार करता है कि हम अपने वक्त के इमाम को कैसे खुश रख सकें। ये एक ऐसा मौजू था कि हमारे इमाम भी हमारी खिदमत को कबूल नहीं करते जब तक वालदेन की रजामंदी हम उनके साथ शामिल न हो। अजीजाने गिरामी, सोचने का मकाम है, गौर व फिक्र करने का मकाम है, और यही वक्त है सोचने का, इससे पहले कि देर न हो जाए। अब सवाल और ये दुआ भी होती है कि खुदा वंदे ताला हमें इल्म हासिल करने और कुछ समझने की तौफीक अता हो। अब ये दुआ हर इंसान करता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इसके फौरन बाद कि कभी कभी हम सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। डेफिनेटली इंसान है, मेमोरी हमारी वीक है, आधा घंटा एक घंटा ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन जो है वो याद रहता है, लेकिन फिर इंसान भूल जाता है। ये सवाल सिर्फ हमारे और आपके साथ ये नहीं होता मेरे दोस्तों, ये इमाम के पास भी ये सवाल पूछा गया। अभी हमारी ज़बान तो गुनहगार है, उसके असरात बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन मासूम के पास भी लोग आते थे और कहते थे मौला हम क्या करें, कोई ऐसी आप हमें दुआ दें, ऐसी आप हमें दुआ दें कि जैसे हमें याद रह जाए,
बार बार हमको मैसेजेस मिलता रहे, हमको याद रहता है जो आपकी बातें होती है, लेकिन मौला एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद ये जहन ये मौला के जबान का नौजुबिल्लाह कोई कसूर नहीं, बल्कि ये हमारी जहनों की गुनहगार, हमारे जहनों की जो है नेगेटिविटी का कसूर है, हमारे जहनों की नजासत का कसूर है। लेकिन मौला ने फिर भी इसको एक्सप्लेन किया, फिर भी एक्सप्लेन किया और कहा कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुमको हर वक्त नॉलेज मिलती रहे और ये ताज़ा रहे, आप क्या समझते हैं कि मौला ने कुछ दुआ दी होगी, मौला ने कुछ वजीफा दिया होगा, मौला ने कुछ विर्द करने के लिए कुछ कहा होगा? मौला ने कहा जाओ तुम कब्रों की ज्यारत करो। आज अरबईन का अहम मैसेज जो मुझे आज देना है, जाओ और तुम कब्रों की ज्यारत करो, और कब्रों की ज्यारत करने के बाद अपने आप को फील करो, अपने आप को महसूस करो कि मैं कहां पे खड़ा हूं और कल मैं कहां पे सोया हूंगा। सबसे बेहतरीन मैसेज, सबसे बेहतरीन प्रीच मौत और कब्र है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। इससे हम बहुत मैसेज ले सकते हैं, इससे बेहतर जो है वो इतना बड़ा मैसेज हमको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। हम ये सारे मैसेजेस हम एक दिन से शुरू करें, पहले दिन से हमारे और आपके दरमियान एक सिलसिला रहा था, हमारे और आपके दरमियान एक सफर जो है हमारे दरमियान रहा था। एक एक दिन भी, एक एक बात अगर हम यहां से लेके जाए तो जिंदगी हमारी सरवर सकती है और आखिरत भी हमारी बदल सकती है। दोस्तों, ये कब्र और यहां तक के हमारे इमाम ये हमको रेकमेंड करते हैं कि जाओ और आप जो है वो मरहूमीन के जो कब्र में सोए हैं उनकी विजिट किया करो, और वो बहुत खुश होते हैं कि जब वो आपके पास, जब वो उनके पास कोई जाता है तो वो बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और वो तुमको खाली हाथ नहीं बेचते, वो तुमको दुआएं देके बेचते हैं, वो तुमको दुआएं देके बेचते हैं। अजीजा निगरामी, मैंने आपको शायद याद होगा कि मैंने अपनी एक मजलिस में मैंने आपको कहा था कि तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, चार ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर तीन इंसान कामयाब हो गया और चौथी चीज अगर वो अपनी औलाद को न दे सका तो अपनी औलाद जो है वो बिगड़ सकती है, लेकिन तीन मंजिलों पे वो कामयाब न हो सका लेकिन चौथी चीज माहौल दे दिया, औलाद उनकी खुद ब खुद सांवर सकती है। ये मेरा मैसेज था कि नहीं था? ये मेरा पैगाम था कि नहीं था? अज़ीज़ानी गिरामी, आके वालदेन सिर्फ दुनिया में ही नहीं हो सकते बल्कि मरने के बाद भी हो सकते हैं। हो सकता हो, और मैंने वाकई आपके सामने सुनाया भी था, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ चेहरे जो है वो नए आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप सीधी सुन लीजिएगा। अज़ीज़ानी गिरामी, ये सुनिए और गौर व फिक्र कीजिएगा कि ये औलाद सिर्फ दुनिया ही में अगर आंख हो जाए, दुनिया में अगर ये औलाद आंख हो जाए लेकिन मरने के बाद अपने वालिदैन की जिम्मेदारी को संभाला, एक एक नमाज और वाजिबात को उसने अदा किया, तो वालिदैन उसको दुआएं देंगे, वालिदैन उसको दुआएं देंगे और उसको आंख से फ्री कर सकते हैं। और अगर दुनिया में वो चाहे कितना भी खिदमत गुजार क्यों ना हो, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चाहे वो दुनिया में इतना खिदमत गुजार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने मरने के बाद अपने वालिदैन को भूल गया, अपने वालिदैन को नजरअंदाज कर दिया, अपने वालिदैन को इग्नोर कर दिया, कोई वाजिबात नहीं, कोई भी हक अदा नहीं करता, एक सूरह फातिहा तक नहीं अदा नहीं करता, तो वालिदैन जो है वो उसको आग कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि डिपेंड होता है कि वहां पर आपका रिश्ता कैसा स्ट्रॉन्ग है, मरने के बाद आपका ताल्लुक मरहूमीन के साथ कैसा है, मरने के बाद आपका अपने वालिदैन के साथ रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है। यही दर्द हमें करबला के मैदान में हमें मिलता है। सोचें, फिक्र करें, आज हम पर यह
इल्जामात लगाया जा रहा है। अब जब ये आम मरहूमीन की बात, आम कब्रों की ज्यारत की बात हो रही है, और याद रखिएगा एक और हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम, इन्होंने फरमाया कि मरहूमीन जो होती है, एक अलग मौजू है, अलग मौजू है, इंशाल्लाह किसी के वक्त पे ऊपर मौका मिलेगा। मरहूमीन सिर्फ सिर्फ आपको दुआएं ही नहीं देते, अगर आप उनके लिए कोई अच्छा अमल करके यहां से बेचते हैं, वो आपको हेल्प भी करते हैं। अल्लाहु अकबर, वो आपको मदद भी करते हैं, वो आपके हक में दुआ भी करते हैं, वो आपको अजीजा निगरामी ऐसे कोई आमाल भी हैं कि जो मरहूमीन से इंसान जो है वो विजिट कर सकता है। लेकिन अजीजा निगरामी वक्त इजाजत नहीं देता कि इस मौजू के ऊपर जाए। अब मैं अपने बयान को यहां पे रोक कर एक जुमला कह देना चाहता हूं कि जो तारीखी जुमला है, सुने अजीजा निगरामी, यहां से लेके वहां तक मेरा मजमा, कि जब आम मरहूमीन को अल्लाह ये अथॉरिटी देता है, लेकिन कौन से मरहूमीन, कौन से, ये भी एक अलग मौजू है अज़ीज़ान गिरामी। जब हमारे वालिदैन जो मरहूम हो चुके हैं, जब वो उनको अल्लाह अथॉरिटी देता है कि वो हमारे हक में दुआ कर रहे हैं, तो अज़ीज़ान गिरामी के जो अहले बैत हैं, कि जो नूर से बने हुए हैं, क्या वो हमारे हक में दुआ नहीं करते होंगे? अरे आज जो है हम पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये लोग कब्रों को पूजते हैं, नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, हम कब्रों को पूजते नहीं हैं, हम उनकी ज़ियारत ले करने के लिए जाते हैं, हम उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं। ज़ियारत का मतलब क्या है? खुद मौला ने फरमाया कि देखो मैं गैरों के लिए इस दुनिया में नहीं हूं, अपनों के लिए, कल भी मैं जिंदा था, आज भी जिंदा हूं और कयामत तक जिंदा रहूंगा। ये हमारे कान है अज़ान गिरामी कि जो उनकी आवाज को नहीं सुन सकते, वरना अल्लाह अगर हमारे कान में ये पावर दे देता तो हम उनकी बातें सुन भी सकते थे, उनके साथ गुफ्तगू भी कर सकते थे। जब जाएं सऊदी में, खुदा जो है वह हज ज़ियारत और उमरा नसीब फरमावे, हम जब जबी भी वहां पे जाते हैं और जन्नतुल बकी में जो है वहां पे खड़े होके फौरन फौरन बिदत 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 का सवाल जो किया जाता है, और वहीं से आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। जो पूछे भाई बिदत क्या है, अल्लाह अकबर। देखिए ये फिल, ये अरबईन का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, आज इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं मैं। जब पूछते हैं बेदत क्या है, क्योंकि किसी सहाबी रसूल ने नहीं किया, इसीलिए तवज्जो है ना जगरावी, क्योंकि सहाबी रसूल ने नहीं किया, इसीलिए, इसीलिए। तो आप देखें ये सिक्वेंस क्या है जनाब। अभी मैं मसाइब में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मैं एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा बुलंद तरीन सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब सैयद सज्जाद भी आए रिहाई होके, है कि नहीं, गंजे शहीदा में, राइट? और इसके बाद इस जनाब जैनब भी साथ में आए, लेकिन इससे पहले कौन आया? जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी आए ना, पहले तो सहाबी ये रसूल आए। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को कौन नहीं मानता? प्रोमिनेंट कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफेट हैं वो। इन्होंने रसूल खुदा का जमाना देखा, हसन मुज्तबा इमाम हुसैन का जमाना देखा, इमाम हुसैन को जो है वो गोद में बिठाया, अल्लाह अकबर, उनको अपने हाथों से खाना खिलाया। ये जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी का मकाम, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी सोचे, खुदा का ये प्लान है, खुदा का ये प्लान अजब नहीं कि कैसा प्लान, और दुनिया में कयामत तक के लिए इन ये बिदतों पर फतवा लगाने वालों के लिए अल्लाह ने जबान पे एक ताला लगा दिया है। कि सोचे अगर इससे पहले, इससे पहले जनाबे सैयद सज्जाद भी आ सकते थे, अल्लाह अकबर, जनाबे ज़ैनब भी आ सकती थी, बेशक एक घंटे का फर्क हो, दस मिनट का फर्क हो, ये इससे मेरी कोई नहीं, लेकिन आए पहले कौन? अगर सैयद सज्जाद आते तो शायद तारीख ये कहती
कि भई ये इमाम हुसैन की औलाद है, हुसैन के घर वाले ही पहले आए थे, तवज्जो है ना जरा गिरामी। लेकिन यहां पे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पहले आए और दुनिया को जवाब दिया कि देखो ये पहला सहाबी रसूल है, अगर ये बिदअत होता तो सहाबी रसूल हुसैन की जियारत के लिए क्यों आता। तवज्जो है ना आज़ाने गिरामी बिरादरे मानी, ये एक मकसद है अरबईन का कि जो हम जाए और दिल खोल कर हम ज्यारत करें, नहीं जा सकते मजबूरी है तो ज्यारत अरबईन हमारे लिए सामने मौजूद है। उसी का उसी सवाब हमको यहां पे मिलता है। आप जो यहां पे बैठे हुए हैं सुभानअल्लाह, हमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कितना बड़ा मकाम हमें मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, बस इसी पे मैं अपनी गुफ्तगू को मैं तमाम करूंगा। और मसाइब, आज रोने का दिन है और हम दिल खोल कर जनाब फातिमा जहरा के बड़े उजड़े घर का हम पुरसा देंगे। दोस्तों, करबला का मैसेज, अरबईन का मैसेज सिर्फ यही है, सिर्फ ये भी नहीं बल्कि एक ये भी है कि सब्र, सब्र बहुत बड़ी चीज है। पेशेंस, पेशेंस को रखना, कदम कदम पे एक साल तक इंतजार किया, एक साल तक इंतजार किया गया और वो मंजर को देखते रहते थे, मंजर को देखते रहते थे कि कहां से हमको शुरू करना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वक्त लगता है। डोंट येल्ड, डोंट शाउट, वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम टू चेंज माई फ्रेंड, but that we should not give up. It takes time to change. मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूं, don't yell, don't shout, give them time. ऐसा वक्त आएगा, उनके साथ एक कम्युनिकेशन करें अपने मतलब सब्र के साथ। अल्लाहु अकबर। सब्र, मासियत में सब्र, इताअत परवरदिगार में सब्र, जब ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा। और मैं हर एक पेरेंट्स को कहता हूं, टीचर भी एक पेरेंट्स होते हैं ना, इट टेक्स टाइम माय फ्रेंड। शाउट मत करें अपने बच्चों को, जल्दी ना करें अपने बच्चों को, कंफ्यूज ना हो अपने बच्चों को। माँ बाप की ये जिम्मेदारियां कि टेक्स चेंज होता है, आहिस्ता से पेशेंस से काम करें। क्योंकि आप देखें, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। खुद मौलाए मुत्तकियान फरमा रहे हैं कि कयामत के दिन जब आवाज उठी जाएगी तो पहली ये आवाज कि ऐन साबिरून, सब्र करने वाले कहां है, सब्र करने वाले कहां है, यही तो नारा लगाया जाएगा ना। बस अज़ीज़ाने गिरामी, हमको अगर ये मैसेज लेना है तो हम करबला के मैदान में ये मैसेज से लें, अरबईन के दिन में हम ये मैसेज लें। और अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात थी जनाब ज़ैनब, आपको वो वक्त याद है 28 रजब को जब ये काफिला चला था, 28 रजब को जब ये काफिला चला था, वो जो बिदत और ये सब जो है वो बयात की बातें हो रही थी। आपको पता है वाकया तवील है, जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनाब ज़ैनब परेशान थी कि नहीं, सानिया ज़हरा परेशान थी कि नहीं? अज़ादारों, जब हुसैन आए तो जनाब ज़ैनब से एक मशवरा किया, ज़ैनब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भाई मुझे इम्तिहान में मत गिरफ्तार करो। भाई क्यों, क्या मेरा इम्तिहान ले रहे हो? अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा, नहीं, मैं तुमसे मशवरा मांग रहा। हुसैन एक किरदार बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, भाई बहन का किरदार, भाई बहन का किरदार बता रहे हैं, मशवरा पूछ रहे हैं कि मशवरा पूछा जा सकता है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि हुसैन, जैसा नाना रसूल खुदा तुम्हारा था वही नाना मेरा भी है। हुसैन, जिस दीन की हिफाजत के लिए तेरी जिम्मेदारी है, उसी दीन की हिफाजत की मेरे पर भी जिम्मेदारी है। हुसैन,
जाएंगे। तो हुसैन ने कहा, ज़ैनब पता है तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। ज़ैनब ने कहा, मंजूर है मेरे भाई, तमाचे लगेंगे, मंजूर है, रस्सियाँ बांधी जाएगी भाई, मंजूर है। ज़ैनब ने एक जुमला कहा, भाई करबला को तुम फतह करना, शाम को ज़ैनब फतह करेगी। हाँ आज़ादारो, करबला को तुम फतह करना, शाम को ज़ैनब फतह करेगी। हुसैन जब कोई शहीद घोड़े से गिरे, उनका लाशा तू उठाना और खैमे में फर्शे अज़ा में बिछाऊंगी, मैं मातम करूंगी। हुसैन अकबर के सीने में बर्छी तू निकालना, असगर के गले में जो तीर होगा ये तू संभाल लेना, हाय सकीना को तमाचे लगते हुए ये मंजर मैं संभाल लूंगी। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूमे करबला। ज़ैनब ने बहुत साथ दिया, इसीलिए तो सानिय जहरा को शरीकतुल हुसैन कहा जाता है। कौन ज़ैनब? शरीकतुल हुसैन ज़ैनब। सुनोगे लादारो जुमला, कौन ज़ैनब? कौन ज़ैनब? सानिय जहरा ज़ैनब, करबला की मुहाफिजा ज़ैनब, वो ज़ैनब के जो अपनी जोड़ी कुर्बान कर दी के मेरा अकबर हुसैन बच जाए। नहीं आज़ादारो, नहीं आपने क्या सुन लिया, कौन ज़ैनब? सुनोगे आज़ादारो, जो दश्त में रह गई तन्हा तो वतन याद आया, पानी पाया तो हर एक तश्ना दहन याद आया, लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, भाई के लाशे पे पहुंची तो कफन याद आया, भाई के लाशे पे पहुंची तो कफन याद आया। जज़ाकुम रब्बुकुम, अरे अहले बैत को रिहाई मिली, अरे ज़ैनब काली महमिल में आज़ादारो, सुनोगे एक मर्तबा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी ये पहले जाहिर थे कि जो इमाम हुसैन की कब्र पे पहुंचे, जाबिर ज़ईफ हो चुके हैं, आंखों का नूर जा चुका है। आज़ादारो एक मर्तबा अपने दोस्तों को ले गए साथ में, कहा चलो मुझे करबला ले चलो, मैंने क्या सुन रहा हूं कि नबी का नवासा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया है, मुझे करबला ले चलो। अरे जब ये या जाबिर का जब छोटा सा काफिला, अरे छोटा सा काफिला जाबिर और अपने दोस्त, जाबिर और अपने दोस्त का ये दोनों का काफिला जब करबला में पहुंचा तो एक मर्तबा दोस्त ने कहा, यहाँ पे तो बहुत सारी कब्र है, अरे मुझे क्या पता कि मौला हुसैन की कब्र कौन सी है। सुनोगे आज़ादारो, जाबिर ने कहा कि ए मेरे दोस्त तू मुझे कब्रों के दरमियान ले चलो, तू मुझे कब्रों के दरमियान ले चलो। अरे जब जाबिर कब्रों के दरमियान पहुंचे, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। इसके बाद कयामत बड़ा जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। ये सुनना था कब्र से आवाज आई, चचा जाबिर इलैया इलैया, चचा जाबिर मैं यहाँ पे हूँ। अरे ये सुनना था, जाबिर ने अपने दोस्त को कहा हुसैन की कब्र पे मुझे ले चलो। जाबिर जब पहुंचे अपने आप को गिरा दिया, खूब रोए, अरे अजब नहीं, अजब नहीं कि हुसैन ने कहा चचा जाबिर, चचा जाबिर अम्मा फातिमा का घर उजड़ गया,
नाना रसूल अल्लाह, लेकिन दीन बच गया चचा जाबिर। अरे जाबिर रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे, आंख लग गई। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, चचा जाबिर जल्दी जल्दी मेरी कब्र को छोड़ दो, जल्दी मेरी कब्र को छोड़ दो। अल्लाह ताला, सुन सकोगे अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना, वरना करबला की तरफ रुख करना। हाय ज़ैनब, चचा जाबिर मेरी कब्र को छोड़ दो। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने दस्ते अदब जोर के कहा कि अरे मौला, क्या मुझसे कुछ खता हुई है? मौला, कुछ मुझसे कुछ गुस्सा की हुई है? कहा नहीं, अरे कितने दिनों के बाद मेरी उजरी हुई ज़ैनब मुझसे मिलने आ रही है। अरे जाबिर की आंख खुली। दोस्तों हज़ादारों, उसके दोस्त ने कहा, अरे मैं देखता हूं कि कोई काफिला आ रहा है, कोई गिरोह आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन आले मोहम्मद हो। तो सुनोगे आज़ादारों, जाबिर वो छुप गए। कहा हम छुप जाते हैं, दूर से देखते, जरा देखो ये काफिले का रंग कौन सा है। उसके दोस्त ने कहा कि अरे काली अमारी है। जाबिर ने कहा कि बस अगर काली अमारी है तो समझ लेना कि ये वस्तु रात का काफिला है। अरे तो कहा इसमें जरा देखो कोई मर्द है। आखिरी जुमले बर्दाश्त कर सकते हो, कोई मर्द? कहा के हाथ दूर से एक मर्द दिखाई देता है जिसकी कमर झुकी हुई है, जिसके बाल सफेद है, जिसकी जुरिया, जिसके चेहरे पे जुरिया लगी हुई है। तो एक मर्तबा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा कि मेरे दोस्त मुझे जल्दी ले चलो। सुनोगे आज़ादारों, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पहुंचे और कहा कि तू कौन हो, कहां से आए हो? अरे तुम इतने परेशान क्यों मालूम होते हो? ये सुनना था। सैयद सज्जाद ने कहा, चचा जाबिर अना अली इब्न हुसैन, मैं हुसैन अली इब्न हुसैन हूं, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं। अल्लाहु अकबर। जाने जैसे ही जाबिर ने ये कहा, अरे तेरे बाप को मैंने पाला था, तेरे बाप को मैंने अपने गोद पे बिठाया था। मेरा दोस्त कहता है कि तू मुझसे भी ज़ईफ हो गए हो। अरे बेटा, तुझको किसने इतना ज़ईफ किया? सैयद सज्जाद ने कहा, अश्याब। आज़ादारो, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा कि चचा मुझे मेरे बाबा का पुरसा दो। अब्बास के बाजू काटे गए, भाई अली अकबर के सीने में बर्छी लगी। अल्लाहदारो, मैंने मुख्तसर किया, हमारी आ रही है जब ये लूटा हुआ काफिला। सुनोगे आज़ादारो, उजर गया है ज़ैनब का काफिला, उजर गया है बतूल का घर। जब ये मदीना पहुंचा, जाबिर नौहा पढ़ते थे, आवाज देते थे, हाय अहले बैत मदीने में दाखिल हो रहे हैं। जब ये काफिला नबी के रोजे पे गया। सुनोगे आज़ादारों, और यहां पे मैं आपसे कहता हूं, रोना क्यों जरूरी है जब 18 भाइयों की बेपर्दा बहन ज़ैनब जब शाम की कैद निभाकर जब कब्रे रसूल पे आई, कब्रे रसूल की मट्टी को उठाकर ज़ैनब ने एक जुमला कहा, नाना ज़ैनब शाम की कैद निभाई, नाना अकबर के सीने में बर्छी लगी, मुझे कोई गिला नहीं, नाना कासिम की लाश घोड़ों की टापों से पामाल हुई, नाना मुझे कोई शिकायत नहीं, नाना मेरे सज्जाद का बिस्तर, नाना मेरे सज्जाद का बिस्तर छीना गया, मुझे कोई गिला नहीं, नाना मेरी एक रात की ब्याही कुबरा बेवा हो गई, नाना मुझे कोई गिला नहीं। सुनोगे आज़ादारो, कब्रे रसूल पे जलजला पैदा हुआ, आवाज आई, अरे बेटी ज़ैनब, अगर इन सब बातों का गिला नहीं तो फिर किस बातों का गिला है? कहा नाना मुझे रोने नहीं दिया गया।
नाना नाना मुझे रोने नाना नाना मुझे रोने रोने नहीं दिया गया। नाना अगर एक कतरा गमे हुसैन के नाम से मेरे आंख से बहता था, कई कतरे खून के मेरे पुश से बहते थे। नाना मैं अम्मा जहरा को बताऊंगी कि जैनब की पुश पे कितने ताजियाने पड़े। आखिरी जुमला आजादारो, एक मरतबा जैनब ने कहा, नाना नाना जबी भी कोई सफर से मुसाफिर आता है तो कोई सौगात लेके आता है। अरे नाना मुझे बताए मैं आपको क्या पेश करूं, अली असगर का कुर्ता या हुसैन का अमामा। बला सादाते करबला।